हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टीच यू योर प्रीवियस चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर एनिमल अराउंड अस। डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर साइंस चैप्टर एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न about feature of animals, types of animals like a domestic animals, wild animals. So students, it's a very interesting lesson, so listen it very carefully and watch the video. So students, let's start. The name of the chapter, animal around us. So students, there are many animal around us. हमारे चारों तरफ क्या होते हैं? बहुत सारे animals होते हैं. There are many animals around us. Some are kept in our home. उनमें से हम कुछ animals को अपने homes में kept करके रख सकते हैं. These are called pets. वो जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, ओके. बट सम एनिमल्स आर कैप्ड एट द फार्म. बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम फार्म्स में कैप्ड करके रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स काउ, बफेलो, हैन, डक, गोट एंड शीप आर कैप्ड इन द फार्म. So, pet animals and farm animals are called domestic animals. Okay? And those animals live in a jungle are called wild animals. So, students, now feature of the animals. Animals के जो features होते हैं, look. जैसे हमारे body parts होते हैं, वैसे animals के भी क्या होते हैं? बॉडी पार्ट्स होते हैं. लुक, आई हैव टेकन सम स्लाइड्स फॉर यू. लुक, ऑल एनिमल्स हैव फोर लेग्स, टू आईज, वन नोज, वन माउथ एंड टू ईयर्स एंड अ टेल. लुक, आ ईयर्स, आईज, माउथ, नोज, टेल, लेग्स, इट्स अ फीचर ऑफ एनिमल्स. नाउ we will discuss about domestic animals and wild animals. I already told you about domestic animals and wild animals. So dear students, domestic animal, animals that are friendly with humans and live with humans are called domestic animals. वो animals जो humans के साथ, जो मनुष्य के साथ friendly होके और उनके साथ इजीली लीव कर सकते हैं, रह सकते हैं, उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल काउ, बफेलो, शीप, हैन एक्सेट्रा. एंड नाउ वाइल्ड एनिमल्स, दोज एनिमल्स लीव इन अ जंगल, मीनिंग ऑफ जंगल फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. फॉर एग्जांपल्स लायन, टाइगर, बियर, डियर एक्सेट्रा. नाउ लुक, आई हैव टेकन सम स्लाइड्स डोमेस्टिक एनिमल. आई रिपीट अगेन, डोमेस्टिक एनिमल, सम एनिमल्स आर कैप्ड एट द फार्म. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहाँ कैप्ड करके रखते हैं? फार्म में. फॉर एग्जाम्पल्स काउ, लुक, यू कैन सी, लुक काउ, बेफेलो, शीप, गोट, हैन, हॉर्स, डक, डॉग एक्सेट्रा. सो पेट एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. जैसे आपको मैंने स्लाइड्स में दिखाया है, जिन एनिमल्स को हम फार्म्स में कैप्ट करके रख सकते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं. फॉर एग्जांपल्स लुक, काउ, बफेलो, ओके, एंड शीप, गोट, हैन,
duck, dog, fish. These are domestic animals. Now, second point, wild animals. Wild animals मतलब जो जंगली जानवर होते हैं. Some animals live in a forest and these are called wild animals. जो जानवर आपके फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Wild animals. For examples, look, lion, tiger, bear, elephant, monkey, rabbit, deer, giraffe, fox and snake, and some birds are look, parrot, owl. It's all are example of wild animals. And now students, food of animals. अब animals जो हैं वो क्या food खाते हैं? Food of animals. Some animals are plant eater. कुछ animals ऐसे होते हैं जो plant eater होते हैं, plants को खाते हैं. For example, cow, goat, deer, elephant, all are plant eater. ये सब कौन क्या खाते हैं? Green plants, grass, leaves, ये सब क्या करते हैं आपके plant eater होते हैं, plants को खाते हैं. But now, case of some animals are flesh eater. कुछ animals ऐसे होते हैं जो flesh खाते हैं, flesh eaters होते हैं. For example, lion, tiger, bear, cat, etc. कुछ animals ऐसे होते हैं जो flesh of other animals को take करते हैं. Okay? तो, for example, lion, tiger, bear, okay? ये सारे examples किसके हैं आपके? Wild, flesh eater animals. And now students, most of the animals are useful to us. Okay? Most of the animals are useful to us. बहुत सारे animals ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत useful होते हैं. They gives us many useful things and do a lot of work for us. बहुत सारे animals ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत useful होते हैं and they gives us many useful things. और वो हमें बहुत सारी चीज़ें useful things को provide करवाते हैं and do a lot of work for us. और हमारे लिए बहुत सारे work भी करते हैं. Now explain some examples like a cow, buffalo, goat gives us milk. Cow, buffalo, sheep gives us milk. You know, as we know students, milk is a healthy food. Milk is a healthy food. And curd means of curd, dahi. Paneer, butter are milk product. ये सब किससे मिलके बनते हैं? Milk products हैं आपके. And milk is also used to make sweets and many other foods. Okay? And next example, hen. Hen and duck gives us egg. जो hen होती है वो हमें क्या egg provide करवाती है? Eggs provide करवाती है. And now other examples of look, fish. फिश से भी आप क्या करते हो? Like a goat, fish and sheep. We get meat from some animals and birds. For example, goat, sheep, hen gives us meat. ये सब हमें क्या provide करवाते हैं? Meat. जो लोग non-vegetarians होते हैं वो हमें यहाँ से इन animals से हम non-vegetarian food को take करते हैं. And some animals like a sheep gives us wool. As we know, sheep gives us wool. जो sheep होती है, look, you can see slides of sheep. Sheep क्या करवाती है हमें provide? Gives us wool. Sheep से हमें wool मिलती है. So student, I hope you like the video. And in this video, we have learned about animal around us, feature of animals,
domestic animals, wild animals, food of animals, and useful animals also. So student, learn it at home and utilize your time. Stay safe, stay home. Now take care. Bye-bye.